हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुटू के दही बड़े जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। आप इनको व्रत के लिए आसानी से बना सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इनको बनाने के लिए हमको चाहिए 4 उबले हुए आलू, मैंने इनको छील कर तैयार किया हुआ है, 1 कटोरी दही, मैंने दही को फेंट लिया है, आधी कटोरी कूटू का आटा, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, अनार के दाने, सेंधा नमक, हरा धनिया कटा हुआ, 1 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा देसी घी तलने के लिए। अब हम आलू को मैश कर लेंगे। मैंने आलू को फोड़ लिया है, हरी मिर्च डालें, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, 4 चम्मच कूटू का आटा। अब हम हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे सारी चीजों को, अच्छे से मिला लीजिए। हमने सारी चीजें अच्छे से मिला ली हैं। अब हमारा दही वड़े का आटा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फ्राई पैन लेंगे, उसमें देसी घी डालें और घी को गर्म होने देंगे। हाथ में थोड़ा सा घी लगाइए। अब हम कूटू के दही बड़े बनाएंगे। एक छोटी सी लोई हाथ में लीजिए, को गोल करिए और फिर उसको हाथ से दबा देंगे। इस तरह से हमने गोल टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से हम अपने सारे दही बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब घी भी गर्म हो चुका है। अब हम उसमें एक एक करके टिक्की डालेंगे और मीडियम गैस पैन को तलेंगे। हमारे दही बड़े एक तरफ से तल चुके हैं, उनको हम पलटेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। अब हम उनको दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। अब दही बड़ों को पलटते हुए सेकेंगे। दही बड़ों को उलटते पलटते हुए सेकें। हमारे दही बड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके हो चुके हैं। फ्राई पैन की साइड में लगाइए जिससे उसका एक्स्ट्रा घी निकल जाए। फिर एक प्लेट में निकालिए। इस तरह से हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए उसकी प्लेटिंग करते हैं। एक प्लेट लीजिए, एक एक करके दही बड़े लगाइए। ऊपर से दही डालिए। साइड में भी दही डालिए।
स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालें, काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया, अनार के दाने, आपके कुटू के दही बड़े व्रत के लिए तैयार हो चुके हैं। आप इनको जरूर बना के खाइए। आप इसके ऊपर हरी चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।